रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे चैनल पर जिसका नाम है कपल वाला रिएक्शन। गाइस आज की वीडियो हमदम चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है इट टुक 35,000 ईयर्स फॉर मैन टू बिकम व्हेन डिड गॉड वर्क बाय डॉक्टर जाकिर नाइक। वाह, तो मैम ज्यादा मेरे को लग रहा है ये किसी लिबरल का सवाल है। हाँ, कि 35,000 साल लगे हैं इंसान को इंसान बनने में, तो अल्लाह का उसमें क्या रोल है? अल्लाह ने कब आप अपना एक तरह से वो दिखाया, अल्लाह ने कब आप अपना वो दिखाया जलवा जलवा, मतलब अल्लाह ने क्या ही किया, मतलब क्या किया उस टाइम अल्लाह ने क्या किया, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम दम चैनल से हैं तो स्टार्ट करते हैं। اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخو। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक बहुत दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक शख्स ने 3 सवाल किए। उसका एक सवाल तो बहुत ही अजीब था, वो सवाल क्या थे और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उनके क्या जवाब दिए, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हो सकता है उस शख्स ने जो सवाल किया उसके अल्फाज ही आप पहली दफ़ा सुन रहे हों, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। आइए पढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन The animal man or Homo erectus evolved 2 million years ago with a brain size of 1000 cc against a size of 400 cc of the apes. Evolution continued with the brain growing to 1400 cc 200,000 years ago, and this animal was known as Homo sapien. The present form of man was evolved about 35,000 years ago and is known as Homo sapiens sapien. Anthropologists have estimated that man developed a speech center in his brain 50,000 years ago. Now the question is, in this record of development, When did God originate? And for what purpose? नाज़रीन, उसका पहला सवाल नज़रिया इर्तिका से मुतालिक था। उसने कहा कि इर्तिका के बारे में पढ़ने से मालूम होता है कि 2 मिलियन साल पहले हैवानी इंसान होमो इरेक्टस के दिमाग का साइज 1000 सीसी था। इर्तिका का अमल जारी रहा और इंसान का दिमाग 1400 सीसी हो गया, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। और मौजूद इंसान उस शक्ल में 35,000 साल पहले आया था। उसने पूछा कि उस सारे अमल में इंसान को खुदा ने कब बनाया। All leaders of all religions, when faced with the prospect of death, rush to a hospital like the one next door and never to the place of worship where they preached all their life that man lives and dies by the wish of God. Is there an explanation for this phenomenon? दूसरे सवाल की जाने बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि उसका दूसरा सवाल ये था, जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो हमेशा अस्पताल ही जाता है, ना कि किसी इबादत की जगह पर, आखिर क्यों? Give me the time for the questions, please. Yeah, yeah, okay. The progress of science has made it possible. to clone all animals including man to produce any number of animals having all desired characteristics if god ever existed how much of the power attributed to god is now left with him तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि उस शख्स का तीसरा सवाल क्या था, जो कि बहुत अलग सा सवाल था। और उसका तीसरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने अपनी सारी मखलूकात को बनाया है, तो उन सबको बनाने में अल्लाह ताला की कितनी ताकत खर्च हुई है? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हस्ब आदत सवाल को दोहराने के बाद फरमाया, भाई जिस बारे में बात कर रहे हैं वो डार्विन की थ्योरी है। उसने अपने दोस्त थॉमस थॉपलिन को खत लिखा था जिसने कहा कि बेशक मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं कुदरती चुनाव के नजरिए पर यकीन रखता हूँ। नाज़रीन, कुदरती चुनाव का नजरिया यानी के जानदारों के आज़ा उनके इस्तेमाल की वजह से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। डार्विन ने कहा कि मैं कुदरती चुनाव के नज़रिए पर इसलिए यकीन रखता हूँ क्योंकि ये मुझे एम्ब्रियोलॉजी और क्लासिफिकेशन वगैरह में मदद देती है। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि थ्योरी में और हकीकत में क्या फ़र्क होता है। डार्विन की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है और थ्योरी को कभी भी हकीकत नहीं कहा जाता, ना ही थ्योरी की बुनियाद पर कभी भी कोई कानून कायम किया जाता है, और डार्विन के नज़रिए इर्तिका को कभी भी कोई कानून इर्तिका नहीं कहता। सब उसे नज़रिया इर्तिका ही कहते हैं और नज़रिया किसी शख्स की ज़ाती राय को कहते हैं। ये लाजमी नहीं कि उसकी राय ठीक हो और लोग उससे इतफाक़ भी करते हों। नाज़रीन, उस शख्स ने सिर्फ 3 मरहले बताए थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उससे भी ज्यादा मालूमात दी। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या कहा। डॉक्टर साहब ने फरमाया, हम अपने दोस्तों को मजाक में कहते थे कि अगर तुम डार्विन के वक्त में होते तो डार्विन का नजरिया ठीक हो जाता, यानी हम उसे बंदर कहते थे। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, भाई मैं आपको 4 मरहले बताता हूँ। इंसान का पहला मरहला थालूसी का, जो 3.5 मिलियन साल पहले था। दूसरा होमो एरेटिक्स था,
दो मिलियन साल पहले, तीसरा 40,000 साल पहले था और चौथा क्रोमैग्नो था। ये है चार मरहले, लेकिन मेरे भाई उनके दरमियान कोई लिंक कोई रब्ता नहीं है। ये सिर्फ मफरूजे हैं जिनकी कोई दलील नहीं है। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया, मैं मानता हूँ कि डार्विन के नज़रिया इर्तिका से बहुत से साइंसदान इख्तिलाफ करते थे, अलबत्ता कुछ इत्तेफाक भी करते हैं, लेकिन कुरान मजीद कभी भी डार्विन की थ्योरी जैसी किसी थ्योरी की बात नहीं करता। कुरान मजीद हमेशा हकीकत और हक की बात करता है, और जहाँ तक बात है कि इंसान बनने का मरहला 2 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, उसके मुतालिक साइंस के पास कोई तारीख नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि पहला इंसान कौन था। लेकिन कुरान मजीद हमें बताता है कि पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। फिर मजीद ये कि आज तक कोई भी साइंटिफिक फैक्ट कुरान मजीद के खिलाफ नहीं हुआ। अलबत्ता अगर कोई थ्योरी कुरान मजीद के खिलाफ तो हो सकती है, क्योंकि थ्योरी को वैसे भी कोई फैक्ट नहीं मानता, लेकिन कुरान मजीद हमेशा हक की बात करता है। अब जैसे आपने कहा कि अगर कोई शख्स बीमार होता है तो अस्पताल जाता है, डॉक्टर साहब ने फरमाया, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि कुरान मजीद हमेशा हक की बात करता है। कुरान ये नहीं कहता कि अगर तुम बीमार हो गए तो मस्जिद में आकर बैठ जाओ। कुरान कहता है कि अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि कुरान मजीद वाहिद किताब है जो साइंसी हकीकतों के बारे में बात करती है। जाहिर सी बात है, जब भी आप बीमार होते हैं तो ऐसे में दवाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुरान मजीद साथ में ये कहता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद भी अल्लाह ताला पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है, वरना अगर अल्लाह ना चाहे तो दुनिया के तमाम डॉक्टर्स मिलकर भी शिफा नहीं दे पाते। लिहाजा मुसलमान कभी भी कोई अंधा यकीन नहीं रखते। आपको कभी कोई मुसलमान स्कॉलर नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि डॉक्टर के पास मत जाओ। अलबत्ता डॉक्टर के पास जाने के बाद अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। आपके डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस बारे में बात की जो हम सब सुनना चाहते हैं कि उस कायनात को बनाने में अल्लाह ताला की कितनी ताकत खर्च हुई। देखिए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इस बात का क्या जवाब दिया, तो आइए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की जानिब। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला के हवाले से कुरान मजीद ये कहता है कि वो हमारी सोच से बालातर है। मैं एक मिसाल देता हूँ जो अल्लाह ताला के बारे में तो नहीं है, लेकिन उससे आपको बात समझ आ जाएगी। फर्ज करें, एक समंदर से अगर आप एक कतरा पानी लें तो समंदर की सतह कितनी नीचे चली जाएगी, लेकिन फिर भी हम इस बात का अल्लाह ताला से मवाजना नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की ताकत एक समंदर से भी इतनी ज्यादा है कि उसका कोई हिसाब भी नहीं है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि एक कतरा लेने से समंदर की सतह पर शायद फिर भी 0.00000 कुछ कम हो, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत बिल्कुल भी नहीं कम होती। जैसे समंदर से एक कतरा निकलने से समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, दर हकीकत समंदर को भी फर्क पड़ता है, उससे एक कतरा कम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत उन तमाम चीजों को बना देने से जर्रा बराबर भी कम नहीं होती। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने यह भी फरमाया कि अगर कोई ऐसा खुदा होता जिसकी ताकत चीजों को बनाने से कम होती है तो कोई उसकी इबादत ही नहीं करता। वो खुदा ही नहीं है जिसकी ताकत कम हो जाए, और हम मुसलमान ऐसे किसी खुदा की इबादत नहीं करते जिसकी ताकत कम हो। अल्लाह ताला हमेशा से था, हमेशा रहेगा, उसकी ताकत भी हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छे था, मतलब सवाल उन्होंने सही किए थे, वो उसका आंसर जो दिया ना वो बहुत अच्छा था, मतलब काफ़ी क्लियरली और अच्छा दिया आंसर, सेटिस्फेक्शन वाला था। पहले जो उन्होंने क्वेश्चन किया पहले वाला कि डार्विन की जो थ्योरी है उसके हिसाब से इंसान को इंसान बनने में 35,000 साल बन गए, पहले इंसान कुछ और था, उसके ब्रेन का साइज कुछ और था, धीरे धीरे फिर बदला तो ब्रेन का साइज वो चोर हुआ, बंदर से इंसान बना धीरे धीरे, जो भी सोहन जो भी ये थ्योरी है डार्विन की, तो उन्होंने उसके हिसाब से कहा कि इसमें अल्लाह ने का क्या रोल है। तब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ये सिर्फ ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि किसी ने इस पर प्रैक्टिकल नहीं किया, तो ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक इंसान ने अपनी सोच बताई है कि मेरी सोच के हिसाब से ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सही हो, वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो उसने बस अपनी राय रखी है उस इंसान ने।
और बहुत से साइंटिस्ट ने उसको रॉन्ग भी क्लेम किया है, ऐसा नहीं कि सारे साइंटिस्ट ने उस थ्योरी को मान लिया, वो बस एक सोच थी और वो कि कुछ लोगों ने माना और वो ऐसा फैलता चला गया वो। ये चीज़ तो बाकी में अभी ना सोच, इससे पहले तो हम भी डार्विन की थ्योरी पे विश्वास रखते थे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग खुला है तो ये हम सोचते हैं, पता लग रही है वाकई में। हाँ बिल्कुल, कि अभी तो कितने सारे स्पीशीज मंकी के हैं ऐसे, है ना, तो वो अब तक इंसान क्यों नहीं हुए? बिल्कुल, हम ही कैसे कन्वर्ट हो गए बंदर से इंसान की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये चीज़ वाकई में ही जानने लायक है। और इनका क्वेश्चन क्या था, और एक और क्वेश्चन, लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बोला कि जो बाकी जो स्कॉलर्स वगैरह हैं वो भी यही, वो मना नहीं करते डॉक्टर के पास जाने के लिए। हाँ, अब मैं भी या कुरान भी यही बताता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और दवाई लें, ऐसा नहीं कि मतलब आप जाके मस्जिद में बैठ जाएं या किसी मंदिर में बैठ जाएं कि आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना एक कोई वाक्य बताया था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि इंसानों को बनाने में या जीव जंतु जिस सारे किसी भी स्पीशीज को बनाने में अल्लाह की कितनी पावर लगी है, कितनी मेहनत लगी, इतनी पावर लगी है। तो उन्होंने वहाँ एग्जांपल दिया था कि अल्लाह की कुछ पावर लगी ही नहीं। एग्जाम्पल वो दिया था कि आप सागर में से एक कतरा पानी निकाल लोगे तो सागर को फर्क पड़ेगा? उन्होंने कहा हाँ पड़ेगा, 0.00000001% फ़र्क पड़ेगा, बट अल्लाह ने जब हमें इंसानों स्पीशीज को बनाया, अल्लाह को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ ज़ीरो भी नहीं है, ऐसा ही कुछ है, मतलब एक्सट्रीम ज़ीरो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अल्लाह ने हम सबको बनाया तो काफ़ी मेहनत लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारी ना सोच के बियॉन्ड होती है, हमारी सोच और समझ से ज़्यादा परे की होती है, हम नहीं समझ पाते, कितना भी दिमाग लगा लो। तो ये ऐसी बात है, इस पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बनाया तो कितनी अल्लाह की मेहनत लगी, पावर लगी, शक्ति लगी, ये बियॉन्ड ऐसी वाली बातें हैं। पावर तो बहुत ही ज़्यादा है अल्लाह के पास, वो तो अब अल्लाह ही जानते हैं ज़्यादातर। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी डॉक्टर के पास भी जाओ तो उस दवाई का असर भी अल्लाह ही चाहेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल, अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे तो वो दवाई भी कहीं पे कुछ भी ऐसा कहता भी है ना कि दवा तो हो गया, अब दुआ की जरूरत है। बिल्कुल, तो दुआ तो हर सारा टाइम ही होनी चाहिए। बस यही है कि उसके बाद भी अल्लाह पर विश्वास कितना रहता है आपका, तो वो चीज़ है। तो चलते हैं गाइस, हमदम चैनल से थी ये वीडियो, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।